हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के एक नुमेरिकल के बारे में तो ये मेरे पास नुमेरिकल है फिगर शोज ए वाइब्रेटिंग सिस्टम हैविंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमिन टू नेचुरल फ्रिक्वेंसिस ऑफ वाइब्रेशन एंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन फॉर द टू मोड्स तो गिवन इज मासज गिवन वन पॉइंट फाइव के जी एम टू इज गिवन जीरो पॉइंट एट के जी के वन के टू स्ट्रिंग स्टिफनस है दो और ये न्यूटन पर मीटर तो ये मेरे पास फिगर है दो मास है जो कि सस्पेंड किए गए हैं और जो सेंटर में दो स्प्रिंग्स हैं K1 जो स्प्रिंग स्टिफनेस है फर्स्ट वाले मास के साथ अटैच है और K2 जो है सेकंड और फर्स्ट और सेकंड दो आपस में अटैच है K2 टू उसकी स्प्रिंग स्टिफनेस है के वन के टू एम वन हमें गिवन है तो हमने क्या निकालना है दो फ्रिकुवेंसीज दैट इज ओमेगा तो मेगा वन और ओमेगा टू तो नेचुरल सी बात है टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा तो टू फ्रिक्वेंसीज निकलेंगी तो आगे हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम मास एम वन को फ्री करेंगे सपोर्ट से और अब फोर्सेस शो करेंगे तो हम मोशन ऊपर की तरफ सपोज कर रहे हैं तो के वन एक्स वन जो है स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी एंड सिमिलरली जो नीचे की तरफ फोर्स होगी के टू इंटू डिफ्लेक्शन जो नेट डिफ्लेक्शन होगी एक्स टू माइनस एक्स वन होगी तो एम वन मास का हो गया सिमिलरली एम टू मास के साथ नीचे कोई सपोर्ट नहीं है तो नीचे कोई फोर्स नहीं होगी ऊपर ही होगी के टू एक्स टू माइनस एक्स वन तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए मास हमने वन सपोज किया है तो फोर्स ऊपर ये है एक्सलर्टी फोर्स मास टू एक्सलेशन एम वन एक्स वन डबल डॉट प्लस के वन एक्स वन ऊपर की तरफ है तो यहाँ लगा दी के वन एक्स वन के टू एक्स टू माइनस एक्स वन नीचे की तरफ है इक्वल करके राइट साइड में लगा दिया मैंने उसके बाद इसको मैं इधर ले गया हूँ तो ये माइनस का हो गया देन हम रीअरेंज करके एक्स वन को कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा के वन प्लस के टू इंटू एक्स वन माइनस के टू एक्स एक्स टू ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन सिमिलरली सेकेंड मास के लिए एम टू एक्स टू डबल डॉट और ये जो ऊपर की तरफ फोर्स है तो ये इसके साथ आ जाएगा के टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है इसलिए जीरो लगा दिया इसको रीअरेंज करेंगे एम टू एक्स टू डबल डॉट प्लस के टू एक्स टू माइनस के टू एक्स वन इक्वल टू जीरो सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और टू इक्वेशन वन और टू इक्वेशन है इसका सोल्यूशन हम भी मानेंगे कि मोशन हमारा हारमोनिक होगा तो एक्स वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी एक्स टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी देन हम क्या करेंगे डबल डिफ़रेंशियल करेंगे टू गेट द एक्सेलरेशन एक्स वन को बार डिफरेंशिएट करेंगे विल गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर ए वन साइन ओमेगा टी सिमिली एक्स टू को डोबर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए टू साइन ओमेगा टी देन पुटिंग जो ये दो वैल्यूज़ हैं वन और टू में पुट करेंगे पहले वन में पुट करते हैं तो ये हमारा वन था वन में हमने एक्स वन डबल ओट की वैल्यू पुट की यहाँ पे फिर मैंने एक्स एक्स वन की वैल्यू पुट की देन एक्स टू की वैल्यू पुट की साइनोमेगाटी सीनो में कॉमन है राइट साइड में जीरो है यहाँ पे जीरो है तो इसलिए ये सारे कट जाएंगे साइनोमेगाटी साइनोविकटी कैंसिल कर दिए देन अरेंज करके ए वन को कॉमन निकाल लिया के वन प्लस के टू माइनस एम वन मेगा स्क्वायर आ गया देन माइनस के टू ए टू बच गया यहाँ पे ये यह वाला इस तरफ आ गया देन सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में पुट करके इसको रीअरेंज करके वी विल गेट के टू माइनस ओविका स्क्वायर एम टू ए टू माइनस के टू ए वन टू जीरो ये थ्री और फोर coupled इक्वेशन हैं इसको सॉल्व करने का तरीका है, है। हम डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करते हैं डिटर्मिनेंट में हम ए वन के कॉफिशेंट यहाँ पर लिखेंगे ये ए वन के कॉफिशेंट है और तो ये ए टू की क्वेश्चन है पहले में ए वन का कॉफिशेंट है माइनस सॉरी प्लस ए वन प्लस के टू माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया ये ए वन का कोफिशियंट है ए टू का कोफिशन माइनस के टू यहाँ पर लिख दिया सेकंड सेकेंड क्वेश्चन में ए टू का कोफिशियंट के टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एम टू ये आ गया ए वन का कोफिशन सॉरी ए टू का कोफिशियट ए वन के साथ माइनस के टू तो ये लिख दिए आगे टर्म के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस के टू के टू माइनस के टू हो गया तो मल्टीप्लाई करके उसके बाद के टू तो के टू तो तो कैंसिल हो जाएगा तो रीअरेंज करके ओमेगा रेस टू पावर फोर माइनस ये इस तरह की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी आफ्टर इसकी फॉर्म के इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे के वन के टू में गिवन है एम वन एम टू में गिवन है तो वैल्यू पुट करेंगे हम ओमेगा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे देन पुटिंग के वन के टू इजल टू फोर्टीन ये गिवन है एम वन वन पॉइंट फाइव एम टू जीरो पॉइंट एट के जी ये गिवन है तो वी विल गेट ओमेगा एस्टू पावर हम वैल्यू पुट करेंगे वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करके वी विल गेट दिस इक्वेशन ओमेगा रेस्टू पावर फोर माइनस वन जीरो थ्री पॉइंट थ्री थ्री ओमेगा स्क्वायर प्लस वन थ्री 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 पॉइंट थ्री थ्री इक्वल टू जीरो देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वेशन के रूट्स आपको आउट करने आते हैं फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर सॉरी माइनस बी प्लस माइनड्रो टॉप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू ए तो ये प्लस करके ये आएगा माइनस करके ये ओमेगा टू आ जाएगा उसके बाद एम्पलीट्यूड रेशो जैसे हमने आर्टिकल में निकाली थी सेम वैसे ही एम्पलीट्यूड रेशो निकाली है क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर से यहाँ पे ओमेगा वन की वैल्यू पुट कर देंगी तो ये आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा टू की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ये एम्पलीट्यूड रेशो है तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया है ठीक है जी थी, टू डिग्री गए फ्रीडम सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट नमारिकल का थैंक यू बेटा कोई भी डाउट हो क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं